बैग भर लिया हम लोगों ने अपना, बैग में बहुत सारा सामान भरा उल्टा सीधा, ताकि हम कपड़े चेंज कर सके और हमारे पास बैकअप भी रहे, साथ में भी थोड़ा सा पेट पूजा करने के बाद फिर निकलेंगे, फिर मारेंगे छप 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 छप। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी से भरा होगा, तो मैं चाहता नहीं कि पूरा पेट भर के जाऊं, तो थोड़ा सा हम लाइट सा खा रहे हैं सैंडविच, साथ में मैंने चीज़ ऑमलेट लिया है। मैं भी बहुत बढ़िया चीज़ ऑमलेट बनाता हूं, अगर आप चाहते हो मैं इस पे वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट के अंदर बताना, मैं आपको बताऊंगा मेरे चीज़ ऑमलेट की क्या रेसिपी है। तो अब हम जा रहे हैं भाई नूसा दुआ बाली बीच के अंदर, वहां पे हम करेंगे वाटर स्पोर्ट। बेसिकली जितने वाटर स्पोर्ट थे मैंने सारे के सारे ले लिए, अब वहां जाके पता लगेगा क्या क्या होता है, कैसे कैसे नहीं होता। अच्छी बात यह है कि धूप निकली पड़ी है, मौसम सही है, तो हम ढंग से वाटर स्पोर्ट्स के मजे ले पाएंगे। अगर बारिश आ रही होती तो हमको मजा ना आता उतना। संडे से आते हैं जोली तो तकरीबन 1.5 घंटा ट्रैवल करने के बाद में हम पहुंचे हमारे वाटर स्पोर्ट वाली जगह के ऊपर। यहाँ पे ये जो आपको व्हाइट शर्ट में दिखाई दे रहे हैं ये हमारे गाइड थे, इनको ना हिंदी आती थी ना इनको इंग्लिश आती थी, तो कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था हमें। तो यहाँ पे मेरा सजेशन ये है कि इंग्लिश स्पीकिंग गाइड को ले। यार ये तो बहुत जल्दी खत्म हो गया, देखो सही में डर लग रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, फील टू द ऑप्शन, मजा आया बहुत ज्यादा। बहुत प्लीज प्लीज, नहीं नहीं अच्छा लगेगा, अच्छा जाओ जाओ, स्टार्टिंग में डर लगेगा फिर बहुत अच्छा लगेगा। नहीं लगेगा, बहुत मजा आएगा, मजा आएगा। इससे बड़ा फट्टू कौन है दुनिया में? खाना नहीं मिलेगा। कैसा लग रहा है? मजा आया। तेरे को कैसा लगा सिमरन? ये अच्छी थी, मजा आया, अच्छा था। शुरुआत में बहुत डर लगा बट बहुत अच्छा था, हवा में बहुत अच्छा था। डर लगा ऊपर जब ऊपर गई तो तेरे पैर क्यों कांप रहे हैं? अभी भी कांप रहे हैं। बहुत बहुत मजा आया, मैंने बहुत एंजॉय किया। अच्छा और ऊपर भगवान को कहानी? नहीं नहीं नहीं, एडवेंचर पैराशूट। गो अंडर ब्रीथ। एजेंट ने हमसे एडवेंचर पैरासेलिंग के पैसे लिए और हमको पकड़ा दी पैरासेलिंग। इसको कहते हैं समझदारी। दिस इज द बिजनेस, फ्रॉड का बिजनेस। चल सिमरन, सेम स्केरी, नो स्केरी, नो स्केरी। मेडिकल प्रॉब्लम के कारण से नहीं कर पाऊं, इच्छा तो बहुत है लेकिन। अच्छा यस गोलू, अब देखो अब उड़ गए, उड़ गया गोलू, उड़ गया। हमारा कल पहले माउंटेन था, उसके बाद हमको लेके गए राइस टेरेस, देन वाटरफॉल, हमने सब इंक्लूड करा दिया। 10 दिन का था, हमने कहा 10 दिन में हमने कहा सब डाल दो, गली गली डाल दो, गली गली के नुक्कड़ दुकान वो भी डाल दो। हमने ऑलमोस्ट सारी की सारी राइड्स ले ली। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो इट वॉज गुड, कुछ कुछ राइडों में हमारा गंदा काटा गया और वहाँ पे पागल भी बनाया जा रहा था मेरे हिसाब से। जैसे मैं स्कूबा की बात करके चलूँ, स्कूबा इज गुड, अच्छी थी, पर मेरे हिसाब से इनकी मशीनों में दिक्कत थी, ये ट्रेनिंग ढंग से नहीं दे रहे थे, इनको बस जल्दी से जल्दी लोगों को निकालना था, शायद टूरिस्ट के चक्कर में, क्योंकि टूरिस्ट ज़्यादा आ रहे हैं, इनको जल्दी इससे जल्दी बंदे कर दें, इसलिए दिक्कत आ रही थी। स्कीइंग वॉज गुड, अच्छा मज़ा आया, मैं वीडियो ढंग से नहीं बना पाया क्योंकि हालत देखो बहुत बुरी हो जाती है लोगों की। ये करने का मेरा बहुत ज़्यादा मन था, बहुत ज़्यादा, पर सिमरन ने मुझे करने दिया। सिमरन कह रही बहुत खतरनाक है। पैरा सेलिंग वॉज वेरी गुड, अगर ज़्यादा लंबी होती तो शायद बोर हो जाते, कुछ था नहीं, मतलब जैसे ऊपर उड़े बस ऊपर रुके रहे, रुके 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 बस यही चलता रहा। और क्या किया हमने? सी वॉकिंग, सी वॉकिंग सिमरन नहीं कर पाई, सिमरन की टाय टाय फिस हो गई, डर गई मैं ऑलमोस्ट। देखो हमको स्कूबा के पैसे भी नहीं मिल रहे और सी वॉकिंग के भी नहीं मिल रहे, ऑलमोस्ट 15,000 रुपये पानी में चले गए हैं, पर मैंने किया। अगर मैं कहूँ सी वॉकिंग बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो गई थी, क्योंकि मैं शायद सिमरन को एक्सपेक्ट कर रहा था नीचे आएगी नीचे आएगी, नीचे कुछ भी नहीं था। इन्होंने हमारा काटा, इन्होंने कहा कि गोप्रो नहीं ले जा सकते, बहुत डीप होगा, कुछ भी नहीं था। फ्लाइंग फिश की बात करके चलूँ तो फ्लाइंग फिश वॉज गुड, नई चीज़ थी, इसकी बहुत फट रही थी, पर जब बैठे तो इसको बहुत मज़ा आया।
पर एंड तक शिवर कर रही थी, पर इट वॉज गुड। अभी तक हमने कुछ खाया नहीं है, क्रूज पे जा रहे हैं क्योंकि हम लेट हो रहे हैं। चलो भाई यही थे, अगर आपको दिख गया हो अभी इनके कपड़े चेंज हो चुके हैं। बड़ा मजा आया, एंड में सबसे ज्यादा राइड इन लोगों ने ली है। एंड तक वापसी आते तक इनको बुलाया गया, हमको सिर्फ 1 मिनट कराया, इनको 15 मिनट करा दिया। तो चले हम अपनी क्रूज की तरफ। तो भाई फाइनली मैंने निक्कर ले लिया, मेरे को निक्कर की जरूरत लग रही थी, तो मैंने एक ब्लैक कलर के लिए, एक ग्रे कलर के लिए। तो भाई ने अपन को दिया है डिस्काउंट, इतना भी डिस्काउंट नहीं दिया है पर ठीक है, डिस्काउंट मिला है अपने को। 750 रुपए के आसपास की एक निक्कर पड़ी है, अच्छी क्वालिटी है, जो मुझे पसंद आती है क्योंकि मुझे यहाँ पे जरूरत लग रही थी। और मैं लाया था निक्कर पर मुझे मजा नहीं आ रहा था, पर यहाँ पे अच्छी मिल गई तो मैंने ले ली। अब मुझे पता नहीं यहाँ का अच्छा ब्रांड है या फिर नहीं है, पर भाई ने डिस्काउंट दे दिया है। थैंक यू। तो भाई ये हमने लिए फ्रेंच फ्राइज, और अंदर से निकला स्नैक लाइट, सिमरन कह रही है तो वही इंडियन वाला निकला, पर इसके साथ इन्होंने दिया ये, जिसकी वजह से वैल्यू एडिशन एकदम बढ़ गई। ये केचप नहीं है, ये स्पाइसी केचप है, बहुत उमदा। तो भाई हमारे क्रूज़ की एंट्री शुरू हो गई है, और यहाँ पे आप पीछे पीछे देख सकते हो बहुत सारे क्रूजेस हैं, लोग फोटोशूट कर रहे हैं। तो हमने भी यही किया, एक घंटा बैठ के यहाँ पे जल्दी आ गए थे हम, तो हमने अलग अलग तरीके से फोटोशूट किए। अब अंदर जाएंगे, मैं आपको एक बढ़िया सा टाइम लैप्स दिखाऊंगा अगर हो पाएगा, कि सूरज किस तरीके से ढलता है यहाँ के ऊपर, क्योंकि हमारा क्या है सनसेट क्रूज डिनर। तो लेट्स सी कैसा होता है, मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। बुफे 6:30 बजे शुरू हो जाएगा तो हम पूछना शुरू कर देंगे, ऑल दो अभी हमने कुछ कुछ स्नैक्स लिए। जितनी भी आपने एंटरटेनमेंट देखी वो सारी एंटरटेनमेंट हो रही थी ऊपर, अब हम आए हैं नीचे जहाँ पे चल रहा है हमारा बुफे, मतलब खाओ। बहुत सारा था यहाँ पे खाने के लिए, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स थे खाने के, और हमने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करके देखी। पर्सनली बताऊँ मुझे उतना मज़ा नहीं आया, टेस्ट में दम नहीं था। मैंने जो काम चलाया वो तंदूरी चिकन और फिश से चलाया। सबसे अच्छी चीज़ बताऊँ, यहाँ पे चल रहा था लाइव म्यूज़िक, खाने का मज़ा ही अलग था, और मेरे भी मौके पे चौका मार दिया। अगर आप बाली जाए तो ये सामने क्रूज दिखाई दे रहा है, अपने एजेंट को ये वाला क्रूज बुक कराने के लिए कहना। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है, हमारे क्रूज के एंड के अंदर यही चला था, अगर आपको डांस करना था तो यहाँ पे जाके डांस कर सकते थे। तो बेसिकली एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, चाहे वो गाना लेके चलो चाहे वो डांस लेके चलो। बाय, गुड नाइट, शबा गिर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।